हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर। न्यू के जी डिग्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो हमारे भाई मार्केट आते हैं या कहीं और किसी मार्केट जाते हैं, वो फोल्डर वगैरह चेक करना चाहते हैं और वो किसी वजह से बैटरी की वजह से नहीं कर पाते, तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी पावर सप्लाई लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल ईजी तरीके से कोई भी अपने मोबाइल का, जैसे मार्केट जा रहे हैं आप, कोई फोल्डर अगर आपको चेक करना है या कोई और चीज़ चेक करनी है, वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पे बने रहेंगे, मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास एम्पियर मीटर है। आपको ये सिर्फ मात्र मेरे हिसाब से पूरा का पूरा ये जुगाड़ कह सकते हैं हम इसको, ये सिर्फ 100 रुपीज में आपको पड़ने वाला है। 100 रुपीज में, जी हाँ, आपको पावर सप्लाई पड़ने वाली है। ये पावर सप्लाई आप अपनी पॉकेट में रखेंगे और पॉकेट में रखने के बाद आप कहीं पर भी इसको ईजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के लिए इसके लिए क्या चाहिए होगा, जैसे हम कोई फोल्डर यूज़ लगाना चाहते हैं मोबाइल में या टच वगैरह चेक करना चाहते हैं, तो हम इसकी मदद से इजीली चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक मीटर चाहिए होगा, एम्पियर मीटर चाहिए होगा। और जैसे हमारे पास एक बैटरी होती है, कोई भी हम 5C वगैरह या अदर कोई भी बैटरी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमें कुछ इस टाइप की एक तार चाहिए होगी, जो कि हमें, जो हमारे भाई रिपेयर मैन है, वो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक ना एक तार एक्स्ट्रा पड़ी होती है। इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए आप मेरी वीडियो पे बने रहें, मैं पूरी डिटेल में आपको ये बनाकर दिखाऊंगा। और इससे फ़ोन ऑन कैसे करते हैं, मैं वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। और वीडियो बनाने से पहले, जो मेरे भाई चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन है वो भी दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह से लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो जैसे मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके लिए हमें एक एम्पियर मीटर चाहिए होगा। एम्पियर मीटर के साथ साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको पहले से इधर सोल्ड करके रखा हुआ है, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इस वीडियो को बनाकर दिखा सकूं। और ऐसे ही बैटरी है, इस पर भी मैंने पहले से इस पर टांके लगा कर रखे हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे ये टांके, इसके ऊपर मैंने पहले से टांके लगा के रखे हुए हैं। खासकर इस चीज़ का ध्यान दें, जब ये मीटर ऐसे इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो हमें इस तरफ से टांका लगाना है और बैटरी के माइनस पे उसको हमें इजी लगा देना है। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए, बैटरी के माइनस पे हम इस पे लगा देना है। और बैटरी के माइनस के साथ साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक और बस्ती है, तो इसको मुझे किधर लगाना होगा, इसकी जो हमारी रेड वायर है उसको हमें इसके प्लस पे लगाना होगा, बैटरी के प्लस पे। ये देखिए, जैसे कि मैंने बैटरी के प्लस पे इसको सोल्ड कर दिया है, और बैटरी के प्लस पे सोल्ड करने के बाद मैं इसको, एक जो बचेगी वायर वो मुझे किधर लगानी होगी, वो लगानी होगी मुझे एम्पियर मीटर के इस साइड में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर वायर लगा दी है और ये हमारा एम्पियर मीटर तैयार हो गया। अब इससे हम कैसे मोबाइल अपना ऑन कर सकते हैं, मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये वाले जो मोबाइल है, इसके अंदर बैटरी हट सकती है, तो मैंने इसलिए ये वाला दिखाया। अगर मेरे पास इस टाइम पर कोई दूसरा फ़ोन पड़ा होता तो मैं वो भी दिखाता। और इसको जैसे ही हम प्रेस बटन को करेंगे, तो ये देखिए, मैंने उल्टी तार लगाई है, तो बैटरी जो आप देख रहे होंगे, मीटर उस तरफ चला गया हमारा। और ऐसे ही अब इसको, ये देखिए, मैंने अब वायर माइनस प्लस अगर चेंज किया, तो मीटर हमारा वापस नॉर्मल हो गया। अब मैं इसका प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा एम्पियर मीटर हिल रहा है। और ये देखिए, हमारी पावर सप्लाई बनके तैयार है। ये जो पावर सप्लाई है, आप बिल्कुल ईजी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि सब भाइयों के पास ये बैटरी भी रखी होती है, ये चिमटी वाली तार भी रखी होती है। बस आपको क्या करना है, एक मार्केट से एम्पियर मीटर ख़रीदना है। अगर आप फिर भी अगर इसको परचेस करना चाहते हैं, बना बनाया परचेस करना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक दूंगा, वहां जाकर आप पूरा का पूरा ये सेटअप बना हुआ मिलता है, आप वो भी परचेस कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट क्या होगी, अराउंड होगी तकरीबन, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 रुपीज़ बता रहा हूँ, तो 150 के आसपास उसकी कॉस्ट होगी। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा, मैंने आज आपको पावर सप्लाई 100 रुपीज़ में हम कैसे बना सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाई बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आप 100 रुपीज़ खर्च करना चाहते हैं, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बनी बनाई लेने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज कल सिर्फ इतना ही। थैंक यू।